एवरीवन वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज आम नवम श्रेणी हापेली पाने तुम नवम श्रेणी हापेली तुम कालीकृमि एग्जाम से सैंस अच्छी तार प्रश्नपत्र डिस्कसन करवा तार एग्जाम निम्ते प्रश्नपत्र गुड़ाक डिस्कसन करवा जोटा कि निश्चित तुमको हेल्पफुल हे पाने। चलो देखा देख कौन देखिए तुम रियल ना फेक तुम भिडियो मध्य मुझेदेवी से कौन तुम आरंभ रु शेष पर्यंत समस्त देख और लाइक सेयार कमेंट सब्सक्राइब करवा भूलो ना। देख पाने केउटी एक समगति अटे क्योंटी एक समगति अटे धनुतीर गति उल्कार गति ना क्रिकेट बल रति ना आलोकर गति। तुम्हारा आंसर है पाने आलोकर गति हूँ तुम एक समगति अटे। किसी दूरता को एक जान 60 किलोमीटर पर आवर बेगरे जा 40 किलोमीटर पर आवर बेगरे फेरी आसिले से ही जानटे हाराहारी बेग के 60 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर ना 48 किलोमीटर पर आवर। तार आंसर टे हमारे पाने 48 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर बेग को मीटर पर सेकेंड रे एकक रूपांतरित कले कौन है 50/3 मीटर पर सेकेंड 50/9 मीटर पर सेकेंड 60 मीटर पर सेकेंड ना 1 मीटर पर सेकेंड। आंसर टी हम तुम 50/3 मीटर पर सेकेंड है ऑप्शन ए हम तुम करेक्ट आंसर टी। तापर देखा तुम चतुर्थ प्रश्न केउटी एक समवृत्तीय गतिर उदाहरण है त्वरान्वित गति समवेगरी गति तापर देख वृत्ताकार वृत्ताकार पथरे गति ना ए समस्त आंसर हम तुम ए समस्त। गोटे वस्तुरे गति चालू रखापी क्यों प्रकार बल आवश्यक क्यों प्रकार बल तुम आवश्यक असंतुलित बल संतुलित बल निरवच्छिन्न बल ना मांसपेशीय बल तुम आंसर हम पाने असंतुलित बल। स्टारी मेसेंजर पुस्तक किए रचना करते स्टारी मेसेंजर किए रचना करते तुम न्यूटन गालीलियो आइनस्टाइन ना ओटोइनगर की तुम आंसर हम पाने गालीलियो। टेन न्यूटन बल क्या सहित सामान टेन न्यूटन बल तुम 100 केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर सहित सामान अटे। तापर देखा अष्टम प्रश्न गोटे बाक्स को चटाण में ठेलवा बेले घर्षण बल और ठेला बल संबंध में केउटी सत्य उभय बल एकाधिकरे कार्य करे उभय परस्पर विपरीत दिगरे कार्य करे सब बेले उभयर परिमाण समान ना उभय मध्य कौन सी संबंध नहीं जहाँ आंसर है अष्टम नंबर आंसर है पाने उभय परस्पर विपरीत दिगरे कार्य करे। केउटी एक सदिश राशि नुहे नुहे बोली पचार सदिश राशि नुहे संवेग सदिश राशि अटे बल संवेग त्वरण मध्य सदिश राशि अटे किंतु वस्तुत्व तुम सदिश राशि नुहे। दशम प्रश्न देख निम्नलिखित रु केउटी संवेगर गोटे व्यंजक नुहे संवेगर व्यंजक नुहे किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड मीटर बाय सेकेंड ग्राम इंटू सेंटीमीटर बाय सेकेंड न्यूटन ना तुम न्यूटन सेकेंड तुम आंसर टी हमारे पाने तुम दस नंबर आंसर हाँ पाने न्यूटन है। देख दुईटी भिन्न भिन्न पदार्थर कणिका गुड़िकर अंतःमिश्रित करण को कौन कह जाए अंतःमिश्रण विसरण परासरण ना द्रवण तुम आंसर हम तुम विसरण। कौन सी वस्तुर एकक आयतन वस्तुत्व को कौन कहु कौन कहुए कौन कह सांद्रता कहुए। तापर देखा 13 नंबर प्रश्न 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल रे परिणत कले केते मिलिबो केते मिलिबो तुम्हारो 373 हेबो हैला 373 तुम्हारो आंसर टी हेबो। तापर देखा परवर्ती प्रश्न तुम्हारो परवर्ती प्रश्न रही कौन देख पदार्थर कठिन अवस्था रु तरल अवस्था को परिवर्तन होता प्रक्रिया कठिन तरल कौन होता है यह कठिन तरल उद्भवपातन सरी पाने सरी तुम 14 अमर हम पाने विगलन सरी उद्भवपातन कहते तुम विगलन आंसर है ना। एक तरल वायुमंडल चापर फुटा निम्नलिखित मध्य क्यों प्रकार परिघटना अटे सामग्रिक परिघटना ना पृष्ठतल ना तुम पारिपार्श्विक ना पार्श्वतल जार आंसर हम 15 नंबर तुम ई हे। तापर देखा तुम 16-17 केउटी एक कठिन उद्भवपाती नुहे कर्पूर नाथालीन आंथ्रिन्स एमोनिया
तुम्हारे आंसर टी हबो तुम्हारे एमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रो गंध किपरि अटे पचा अंडा परी एटा की होइबार किछ अवसर जानि पचा अंडा परी अटे। तापर देखिबा 18 नंबर प्रश्न केउटी घनकुहुडी रो विक्षेपित अवस्था अटे प्रावस्था अटे विक्षेपित घनकुहुडी रो प्रावस्था अटे कठिन तरल गैस ना बादल। 18 नंबर आंसर पिला माने तरल हला। एक मोटर जान रो ओडोमीटर द्वारा केण मापा जाए ओडोमीटर द्वारा कौन मापा जाए ओडोमीटर द्वारा तुम्हारो अतिक्रम केते दूर तुम अतिक्रम करिलो ताहा जणा जाय थाय। एक वस्तु एकक समय अंतराल रे अतिक्रम करुतबा दूरता को कौन कहा जाए विस्थापन त्वरण परिवेग ना बेग। आंसर हम तुम बेग। 373 केल्विन तापमात्रा रे जलर कणिका और बाष्पर कणिका मध्य कहार शक्ति अधिक जल कणिका बाष्प कणिका उभयर शक्ति समान कही हेबो नाही। जहाँ आंसर हम पिला माने ऑप्शन बी बाष्प कणिका। परवर्ती 22 देखिबा एक मीटर समान केते नानोमीटर एक मीटर समान केते नानोमीटर नानोमीटर पचारी छेला तुम्हार 22 हेबो पिला माने 10^9 बुझि पारिलो। तारे देखिबा 23 चीनी पानी द्रवण निमन्ते निम्नलिखित विकल्प मध्यरु केउटी एक बा एकाधिक विकल्प ग्रहणीय तरल रे कठिन द्रवणीय ठीक अछि कठिन रे तरल द्रवणीय भूल अछि जल द्रावक चीनी द्रावक ठीक अछि चीनी द्रावक जल द्रावक भूल अछि ताहेले कोन हबो IIII तुम्हारे ऑप्शन सी रे दिजि ता सटीक आंसर टी हबो। तापरे देखिबा 24 कोन दिजि देखो सस्पेंस रे द्रवर कणिका गुडी को केउ पद्धति रे पृथक करा जाय परिश्रवण स्फटीकरण पातन ना तुम केन्द्रापसरण तुम्हार आंसर टी हम 24 हम पे परिश्रवण बुझिपार। नाइट्रोजेन स्फुटनांक के नाइट्रोजेन स्फुटनांक -196 सेलसीयस अटे। मिरिकाली माछ जलर क्यों स्थल मिरिकाली माछ तुम जलर क्यों स्थल खाद्य संग्रह करें क्यों स्थल तुम आंसर निम्न आज जो भाकुर माछ पड़े भाकुर माछ ऊपर होगा भाकुर माछ तो मिरिकाली माछ निम्न भाकुर माछ उपरे रोही माछ तुमर मध्यरे मन रख। तापर 27 देखिबा निम्नोक्त केउं कृषि मध्यरु केउंटी पोषणीय कृषि अटे तुम्हें कौन बा सघन कृषि रासायनिक कृषि जैविक कृषि ना अजैविक कृषि। आंसर हम तुम जैविक कृषि। महुरी शतकड़ा केते जल थाए 18, 20, 30 ना 70 आंसर टी हम तुम 18। 29 देखिबा कहा को अर्धपारगम्य झिल्ली बोली कहा जाए न्यष्टि झिल्ली कोष झिल्ली कोषभिर्ती ना रसधानी तुम आंसर टी बाहर कोषभिर्ती मन रख। डीएनए अणु मुख्यतः केते प्रकार 1, 2, 3, 4 केते बारे पिला माने तुम्हारो 3 प्रकार। भारतीय कृषि गवेषणा परिषद केउठारे अवस्थित केउठारे कलिकता नुआ दिल्ली चंडीगढ़ ना कानपुर तुम्हारे आंसर टेब दिल्ली ठारे न्यू दिल्ली जो कहूँ आम है देखा। परवर्ती प्रश्न 32 कुकुड़ार हईजा रोग क्यों अणुजीव द्वारा होता है कवक द्वारा होता है ना भूताणु द्वारा होता है ना बीजाणु द्वारा होता है ना आदि जीव द्वारा होता है आंसर टेब तुम बीजाणु द्वारा होता है 32 हम तुम सी। निम्नोक्त मध्य क्योंटे जैव उर्वरक नुहे जैव उर्वरक नुहे तार आंसर भाव मैंने धनीचा तुम जैव उर्वरक नुहे। उद्भिद कोष रे माइटोकॉन्ड्रिया व्यतीत आउ क्यों अंगिका को अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहा जाए राइबोजम हरित लवक लाइसोजम गल्गी पिंड आंसर थे पिला मैंने तुम हरित लवक 34 हाँ तुम हरित लवक। क्यों प्रक्रिया द्वारा कोषर CO2 गैस निर्गत हो कोष बाहर को चली जाए आंसर हम तुम विसरण ना परिश्रवण ना आश्रवण ना परिश्रवण और आश्रवण 35 हम पिला तुम विसरण। तापर देखा 36 कौन दे घनीभूत दुग्ध में केते प्रतिशत कठिन दुग्ध थाए 11, 21, 31 ना 41 तुम आंसर हम 36 C 31। कलंकी रोग क्यों गहम ए पर्यंत जो मैंने लाइक करना निश्चित भाव लाइक कर जो मैंने 50 रु 50 पे रखा चाहते निश्चित भाव लाइक कर प्रत्येक पिला जो 50 रु 50 रखा चाहते निश्चित भाव से सेयार करा। तापर देखा 38 कौन देखिए तुम है
ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ସହ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଧିକ ଥାଏ? ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ କେ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ଓ ସି। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ କେ ଥାଏ। କାହାକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍, ସିଲ୍ଡନ୍ ସ୍ୱାନ୍, ଭିରଚୋ ନା ତୁମର ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ସିଲ୍ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖ ତୁମର, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜୀବଜାତିକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜୀବଜାତିକୁ ଗଠିତ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଜାତି, ଜାତିରୁ ପ୍ରଜାତି। ଏଇ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ? ଧାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ଓରିଚା ସାଟିଭା। ହାଇଡ୍ରାକି ପର୍ବର କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପୋରିଫେରା, ସିଲିଆଣ୍ଟେରେଟା, ଏନିଲିଡ଼ା ନା ମୋଲୁସ୍କା? 43 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମର, ସିଲିଆଣ୍ଟେରେଟା। ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ'ଣ, କୋଷଭିତ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ? କୋଷଭିତ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର, ତୁମର ଗ୍ଲୁକୋଜ, ସୁକ୍ରୋଜ, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ନା ପେଣ୍ଟୋଜ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମର, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ। ମନେ ରଖ, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, କେଉଁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଝିଲ୍ଲି ନିର୍ମାଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କୋଷରେ ତୁମର ଝିଲ୍ଲିରେ ରାଇବୋଜମ, ଗୋଲଗି ପିଣ୍ଡ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ନା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମ୍ ରେଟିକୁଲମ୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ତୁମର, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମ୍ ରେଟିକୁଲମ୍। ତାପରେ ଦେଖ, କମଣ୍ଡଳ ଗଛ କେଉଁ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ଦୁର୍ଲଭ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ନା ବିଲୁପ୍ତ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ 46 ତୁମର ହେବ ପିଲାମାନେ, ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ଦେଖ 48 କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁ ପର୍ବର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପାଚନ ନଳୀଟି ମଣ୍ଡଳାକୃତି ବା ୟୁ ଆକାରର? ୟୁ ଆକାରର, ୟୁ ଆକାର କ'ଣ, ଆର୍ଥ୍ରୋପଡ଼ା, ମଲୁସ୍କା, ଏନିଲିଡ଼ା ନା ପୋରିଫେରା? ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲାମାନେ, ମଲୁସ୍କା। ତାପରେ ଏପ୍ସ ମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେତେ କୋଠରେ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏପ୍ସ ମାନଙ୍କର ତୁମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 1, 2, 3, 4, 49 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ଡି, ଅପସନ୍ ଡି 4 ହେବାଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଥିରୁ ତୁମର 100% ନ ଆସିଲେ ବି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଅଗୁଣିତ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି କେଉଁ କୋଷରେ ଥାଏ? ତୁମର କାୟକ କୋଷରେ ଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବାନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପିଲାମାନେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।